नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद बलिया से इस वक्त की खबर। समाचार ए टू जेड न्यूज डॉट कॉम में 14 जुलाई की खबर। परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक की जगह रसोईया चला रही थी स्कूल। स्कूल आना तौहीन समझते हैं गुरुजी। भ्रष्टाचार का हुआ था खुलासा। जिस तरह सरकार पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, वहीं मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शिक्षा विभाग धांधली करने से बाज नहीं आ रहा है। इस खबर को गंभीरता से लेते हुए बलिया बीएसए शिव नारायण सिंह ने मामले की जांच कर तत्काल उस स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया और एक हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गांव वालों को अच्छी शिक्षा मिलने की उम्मीद है। आपको बताते चलें कि बलिया जिले में सभी परिषदीय स्कूल कागजों में 1 जुलाई से खुल गए हैं। बेसिक शिव नारायण सिंह ने बताया है कि सभी शिक्षक कर्मचारी स्कूल जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी घर पर रहेंगे। शिव नारायण सिंह ने बताया है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल खोला जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों को ही आने की अनुमति रहेगी। वह ऑनलाइन कक्षाएं लेते रहेंगे। अध्यापकों को प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक विद्यालय में रहना है। मगर बलिया जिले में कागजों पर चल रही गुरुजी की सच्चाई जानने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं शिव नारायण सिंह ने पिछले दिनों कई विद्यालयों का ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया। नतीजा रहा जिससे अधिकांश तय कागजों में शिक्षक आ जा रहे थे, मगर जाँच में धरातल पर विद्यालय बंद ही मिले। बीएसए ने बंद विद्यालयों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इसके अलावा कहा है कि सभी शिक्षक समय से स्कूल में उपस्थित रहें। 17 जुलाई को रसा शिक्षा क्षेत्र में शनिवार को खंड विकास अधिकारी की जांच में रसा शिक्षा क्षेत्र के सफरूपुर में प्राथमिक विद्यालय 9 बजे तक बंद रहा। सभी गुरुजन लापता थे, कहां गए थे विभाग जाने। रविवार को एसडीआई से कार्रवाई की बात करने पर पता चला कि ऑनलाइन स्कूलों को चेक किया जा रहा है, जिसमें 9 बजे तक सबरूपुर प्राथमिक विद्यालय बंद था। अब देखना होगा कि इस स्कूल पर बेसिक बलिया द्वारा दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है या नहीं, या नेताओं की फोन के चक्कर में छोड़ देते हैं। इस विद्यालय पर गैर जिम्मेदार शिक्षक मुख्यमंत्री के सपनों पर पलीता लगा रहे हैं। समाचार ए टू जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। सर एक अपना एक परिचय बताया। सर हिम्मत कुमार मिश्र, खंड शिक्षा अधिकारी रसड़ा। वर्तमान में ट्रांसफर की सूची आ रही है। सर रसड़ा में कितने विद्यालय, प्रसिद्ध विद्यालय कितने होंगे रसड़ा शिक्षा? 198 रसड़ा शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत। पिछले दिन समाचार ए टू जेड एक खबर चलाया था सर, और दैनिक भास्कर भी खबर चलाया था, जिसमें जो है देखा गया तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो है सपने को पलीता लगा रहे हैं। हालांकि बलिया बेसिक द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि ऑनलाइन क्लास चलेगा और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक सभी को आना है, लेकिन पिछले एक हफ्तों से जो है वहाँ रसोइये के भरोसे विद्यालय चलाया जा रहा था। इस पर बेसिक द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, उस विद्यालय का वेतन रोका गया और एक हफ्ते का स्पष्टीकरण दिया गया। ऐसे में कल भाई आनंद फानंद में आप भी काफ़ी जो है दौड़ लगाए हैं, और दौड़ लगाने के बाद जो है सौरवपुर स्कूल पर गए थे जहाँ विद्यालय वहाँ भी बंद है। तो ऐसे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे जो सरकार द्वारा नियम निर्देशित किया गया है विद्यालय खुलने का, तो अध्यापक समय से अपना पहुँचे और विद्यालय संबंधी जो भी कार्य निर्देश शासन द्वारा दिया जा रहा है, विभाग द्वारा दिया जा रहा है, उसको पूरा करें। अगर उस निर्देश के क्रम में कार्य नहीं करते हैं तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई उनको की जाएगी। देखा जाए तो सरकार जो है पढ़ाई और दवाई पे काफ़ी पानी की तरह से पैसा बहा रही है। सरकार जो है रंगाई पोताई पढ़ाई के मद में काफ़ी पैसा दे रही है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो प्रधानाध्यापक ना रंगाई कर रहे हैं ना पोताई कर रहे हैं, और सारा पैसा जो हड़प जा रहे हैं। और तो और जो है विद्यालय समय नहीं आ रहे हैं और रसोइये के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। कहीं कहीं तो रसोइया भी नहीं, विद्यालय ऐसे बंद रहे। ऐसे में रसड़ा शिक्षा क्षेत्र के सौरूपुर में विद्यालय बंद रहा, जब आप सुबह 10 बजे निरीक्षण करने गए तो वहाँ पे, उस पर क्या कार्रवाई होगा सर? सौरूपुर पर क्या कार्रवाई होगा? एक पे तो कार्रवाई हो गया सर बेसिक के द्वारा, आपके द्वारा चूंकि ट्रांसफर भी हो गया है। सौरवपुर 9:06 पर मैं गया था, उस समय विद्यालय बंद पाया गया और बंद ऑनलाइन उसको प्रेरणा मिशन प्रेरणा पर कर दिया गया है। उस पर जितने भी अध्यापक हैं शिक्षा मित्र हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में अगर इस तरीके के शिक्षक अगर नहीं सुधर रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो उनको निर्देश सख्त निर्देश दिया जाएगा कि विद्यालय समय से आए, अपने कार्य को पूरा करें, जो भी निर्देश आदेश विभागी कार्य सौंपे जा रहे हैं उसको समय से पूरा करें, अन्यथा की स्थिति में जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है बनती जाएगी। अरे जी सर, इस जो इसमें मनिहा में जो कार्रवाई हुआ है, जो प्रधानाध्यापक जो रसोईया के भरोसे चल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? क्योंकि आपके क्षेत्र में एसडीआई है और आप ही के क्षेत्र में वो विद्यालय आता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से उस विद्यालय को चेक किए थे कभी सर?
एक मैं बताना चाहूंगा, मनिया विद्यालय पे एक सहायक अध्यापक एक प्रधाना अध्यापक है, और प्रधाना अध्यापक एक बगल का विद्यालय है नसरतपुर जो कि शिक्षा मित्र केवल है, वहाँ अंतर जनपदी ट्रांसफर हो गया, केवल शिक्षा मित्र बचे हैं। पूर्व में उनको शिक्षा मित्र को चार्ज दिया नहीं जा सकता है, ऐसी स्थिति में नसरतपुर का उनको ऊपर चार्ज दिया गया है, पहले से ही चार्ज है मेरे पहले से ही, और वर्तमान में यहाँ कोई अध्यापक नहीं है केवल शिक्षा मित्र है, इसलिए चार्ज उन पर था, और यहाँ एक सहायक अध्यापिका जो है वो मातृत्व अवकाश पर। नहीं तो ऐसे में सर दो दो विद्यालय के चार्ज दोनों विद्यालय से लापता तो एक बड़ा गैर जिम्मेदार। नहीं अगर दोनों विद्यालय से लापता है तो कार्रवाई होगी, अगर नसरतपुर पर है तो इसको देखा जाएगा कि क्या वास्तविकता बनती है। वास्तविकता तो सर वो कैमरे पे स्पष्ट रसोईया कह रही है, उसके बाद भी वास्तविकता भी खोज रहे हैं सर। नहीं अगर कैमरे पर है तो रसोईया तो स्पष्ट कर रही है, जो कार्रवाई की गई है वो उचित है, और सर द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उसे सख्त संदेश जाएगा किसी भी शिक्षा क्षेत्र में, इस प्रकार की अगर हरकत पाई जाती है तो कार्रवाई होना। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं जहाँ भी रहें आप आबाद रहें सर। धन्यवाद।